हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। अक्सर पैसों का लेन देन आपसे विद्रोह निर्माण कर देता है और फिर आगे आती है मर्डर जैसी संकीर्ण घटनाएं। ऐसी श्रृंखला में शहर के शांति नगर पुलिस स्टेशन के भारतीय अखाड़ा इलाके में पैसे के लेन देन को लेकर अपराधियों के दो गिरोह आपस में भिड़ गए। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल काफी सक्रिय हो गया है। नागपुर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर बुधवार की सुबह सीतापड़ी के आनंद नगर इलाके में पैसे को लेकर हुए विवाद में दो लोगों के बीच गोलीबारी हो गई। इस मामले में पुलिस ने इन दोनों गुटों के खिलाफ कार्रवाई की और करीब 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बीती रात शांति नगर के भारतीय अखाड़ा में पैसे के लेन देन को लेकर अपराधियों के दो गिरोह के बीच मारपीट हो गई। इस घटना में विजय चव्हाण नामक अपराधी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में हर्षल कटारे नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी सागर यादव की तलाश जारी है। मेरी जानकारी के मुताबिक आरोपी सागर यादव आपराधिक प्रवृत्ति का है और इसके पहले भी उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट जैसे करीब 13 आपराधिक मामले दर्ज है। इसी विवाद में कल रात सुजल अपने दोस्त विजय चव्हाण और दो अन्य साथियों के साथ सागर यादव के भारतीय अखाड़ा स्थित घर पर बातचीत करने पहुंचा था। इसी दौरान दोनों गुटों के बीच बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोपी सागर ने विजय पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का पंचनामा कर आरोपियों की तलाश शुरू करती है। देर रात पुलिस ने हर्षल कटाले को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथी सागर यादव की तलाश करी है, जिसके विषय में जानकारी दी है पुलिस उपायुक्त गोरख भामरे ने। विजय चव्हाण नावाचा राहणार आहे, आरोपीचं नाव सागर यादव आहे, तो शांतीनगर येथे राहणार आहे। लोक काल रात्री 12:15 काही पैशाच्या कारणावरून भेटले आणि त्यांच्यात किरकोळ वाद झाला। त्या वादामध्ये आरोपीने मृतकाला चाकूने मारले आणि त्याचा मृत्यू झाला। दोन आरोपी आहेत, एक आरोपी हर्षल आहे, तो अटक आहे, दुसरा सागर यादव सध्या फरार आहे। सुजय हा कळमण्याचा आहे, त्याचा आणि आरोपीचा काही पैशांचा व्यवहार होता आणि त्या संदर्भाने ते आले। मृतक आणि आरोपी दोघांचा क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे। आरोपी आमच्या हातीतला आहे, त्याच्यावरती आम्ही प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन घेतली होती। मृतकवरती काय ऍक्शन आहे ते कळमणार आपल्याला। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।